घर नहीं छोड़ा, मंदिर नहीं छोड़ा और अब तो शादी भी नहीं छोड़ी। हर योजना में घोटाला, हर योजना में घोटाला। फिर कहते हैं घोटाला नहीं हुआ है, हमें घोटालेबाज मत बुलाइए। अरे घोटाले को घोटाला नहीं तो क्या कहेंगे, घोटालेबाज सरकार को घोटालेबाज सरकार नहीं तो क्या कहेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश जहां योगी जी रामराज चला रहे हैं, वहां अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की खबर सामने आई थी और सनसनी फैले देर नहीं हुई थी कि अब एक और घोटाला उजागर हो गया है और ये घोटाला सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। शादियां घोटाले की भेंट चढ़ गई। योगी जी के शासन में अब नया कीर्तिमान गढ़ा गया है। योगी सरकार अब शादी घोटाला करने के नाम से भी जानी जा सकती है। हम आपको इस खबर में बताएंगे कि यह घोटाला आखिर है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पहले कागजों पर फर्जी घर बांट दिए गए दोस्तों, और अब कागज पर दिखाने के लिए फर्जी शादियां भी करवा दी गई। शादीशुदा, कुंवारा, बुजुर्ग, बाल बच्चेदार इंसान, बच्चा जो शादी के लायक भी ना हुआ हो, जो दुनिया में नहीं आया वो बच्चा, उसकी भी शादी करा दी, और जो दुनिया से चला गया वो बुजुर्ग, उसकी भी शादी करा दी। उत्तर प्रदेश के सरकारी बाबुओं की नज़र में शायद सभी के सभी शायद शादी के लायक हो गए हैं, इसलिए न आओ देखा न ताओ एक एक करके कागजों पर धड़ाधड़ सबकी फर्जी शादी करवा दी। योगी सरकार की एक योजना जिसका नाम है कन्या विवाह योजना, इसके तहत श्रमिकों मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए सरकार से 82,000 रुपये मिलने थे। दोस्तों होता यह है कि 65,000 रुपये शादी में अनुदान के तौर पर मिलते हैं और 10,000 रुपये जो होते हैं वो दुल्हा दुल्हन के कपड़ों के लिए और 7,000 जो होते हैं वो दूसरी ज़रूरतों के लिए मिले थे। अब क्या हुआ सुनिए। मजदूर का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन का कम से कम 365 दिन यानी साल भर पूरा होना ज़रूरी है। इस योजना के तहत ये सबसे बड़ी शर्त है दोस्तों। नवंबर 2022 यानी आज से लगभग साल भर पहले, ये वो दिन था जब गाज़ियाबाद और आसपास के इलाकों के कोई 2, 4, 10 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 3,500 जोड़ों ने साथ फेरे लिए थे। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। गाज़ियाबाद में ये जो सामूहिक विवाह हुआ, ज़्यादातर जोड़ों के लिए एक शादी महज बनकर रह गया, एक दिन की शादी बनकर रह गया, क्योंकि कोई जन्मों जन्मों का बंधन नहीं था। क्योंकि बीच के जो बिचौलिए थे दोस्तों, मजदूरों के संपर्क के साथ जिनका श्रम विभाग था उनसे, रजिस्ट्रेशन जिनका था उनसे संपर्क साधा और कहा कि 10-20,000 रुपये तुमको मुफ्त में दिला देंगे, तो बदले में कागज़ों पर हस्ताक्षर करना है या अंगूठा लगाना है, और उसके लिए मजदूरों श्रमिकों को राज़ी कर लिया। अब पैसों की लालच में मजदूरों ने भी हामी भर दी कि 10-20,000 रुपया मिलेगा। तो आधार कार्ड, फ़ोटो, दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटियों की शादी के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरवा दिए गए, सरकारी अफसरों के साथ मिलीभगत की गई, और इससे तमाम फर्जी फॉर्म जिन पर हस्ताक्षर किए हुए थे इन मजदूरों ने, इनका मंजूर भी करवा लिया इन लोगों ने। अब ड्रामा हुआ, शादी के दिन फेरे लेने का ड्रामा हुआ, एक्टिंग हुई। शादी के लिए ऐसे जोड़ों को बैठाया गया जो एक दूसरे को जानते नहीं थे। किसी ने अपनी शादीशुदा बेटी की दोबारा शादी करवा दी, किसी ने बहू को बेटी बनाकर मंडप में बैठा दिया, किसी ने शादीशुदा बेटी की दोबारा शादी करा दी जो दुनिया में नहीं थे, उनके कागज़ पर शादी करवा दी, बच्चे की शादी करवा दी गई, बुज़ुर्ग की शादी करवा दी गई। मतलब आप ये समझ लीजिए शादी के नाम पर सबसे बड़ा मजाक हुआ। अब जब शादी हो गई तो मजदूरों को जो 10-20,000 देने का वादा किया गया था, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो किया था, वो इन्होंने दिया नहीं। मजदूरों को जब पता चला कि उनके साथ तो ठगी हुई है, सरकार ने योजना चलाई थी और उसके तहत उनको पैसा मिला था, सरकारी अफसरों की शिकायत शुरू कर दी मजदूरों ने। अब जब शिकायत हुई तो इन शिकायतों को भी नज़रअंदाज किया सरकारी अफसरों ने। तो भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति है दोस्तों संगठन, उसने इस घोटाले का खुलासा किया। इस संगठन का दावा है कि गाज़ियाबाद में अकेले इस योजना में 280 तकरीबन करोड़ का घोटाला हुआ है। अंत में लोकायुक्त ने मामले की जांच करवाई और 15 दिन में जांच रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा। जिनसे जांच करने के लिए कहा उन्होंने 800 पन्नों की रिपोर्ट इसमें जारी की, और आप
सुनकर हैरान रह जाएंगे, एक जिला नहीं था, कई जिले थे। बुलंदशहर में 535 शादियां हुई, कई फर्जी निकली। हापुड़ में 835 शादियां हुई, उसमें घोटाला हुआ। गाजियाबाद में 3500 से ज्यादा शादियां हुई, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ। मतलब घोटाला ही घोटाला, हर जगह घोटाला। और ये कहते हैं कि साफ सुथरी सरकार चल रही है, जिन्होंने शादियों को नहीं छोड़ा वो क्या ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह है, अगर ये कहा भी जाए कि योगी सरकार ने तो योजना चलाने का काम किया था, उनको थोड़ी ना पता था कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो है वो नीचे काम कर रहे हैं, या भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके से पैसा जो है लोगों का लूट रहे हैं। देखिए यहाँ तब तक गुंजाइश हो सकती थी सरकार की कमी ना ठहराने की, जब तक वो जो किसान, वो जो मजदूर थे, श्रमिक थे, वो जाकर सरकारी अफसरों को ना बताते कि उनके साथ ठगी हुई है। जब उन्होंने वो सारी जानकारी दे दी कि ठगी हुई है, और जो सरकारी अफसर थे, सरकारी बाबू थे, उन्होंने मिलकर मिली भगत करके हमारा पैसा हमसे ठगा है कहीं ना कहीं, और हमारे साथ धोखा दिया है, उसके बावजूद अगर आप किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो फिर पूरी सरकार पर सवालिया निशान खड़े होंगे, पूरी सरकार घोटालेबाज कहलाएगी। और पहली दफ़ा नहीं है जब किसी योजना में घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बीते दिनों घोटाला सामने आ चुका है, जब गरीबों के घर अमीरों को बांट दिए गए और लाखों लाखों राशि दे दी गई घर बनाने के लिए, बाद में पता चला जिनको दिया वो तो गरीब थे ही नहीं, वो तो अमीर थे, तो वो पैसा लेकर चंपत हो गए। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार में। दोस्तों इतनी साफ सुथरी सरकार, इतनी साफ छवि वाली सरकार, पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि घोटाले ही घोटाले सामने आ रहे हैं। राम मंदिर में घोटाला, चंदे में घोटाला, आवास योजना में घोटाला, और अब तो शादी में भी घोटाला। बताइए जरा आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस पूरी खबर पर, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।